हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू पी एडुकेयर सो आफ्टर डिस्कसिंग द एसएलएस नोएडा नाउ दिस टाइम विल डिस्कस अबाउट द एसएलएस हैदराबाद यस गाइस द नंबर वन प्राइवेट लॉ स्कूल इन तेलंगाना इफ यू ऑन अ टारगेट द सिंबायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देन गाइस इनके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में और आप अगर हैदराबाद से बिलोंग करते हो तो आप लीगल प्रोग्राम पर कर सकते हो फ्रॉम दी हैदराबाद रीजन सो वन आटेट दी एस एल एस हैदराबाद लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट इट अबाउट द कैंपस एंड इट्स वेरियस फैसिलिटीज एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है हाउ मेनी सीट्स आर दे कट ऑफ क्या हो सकता है फी स्ट्रक्चर क्या है एंड इवन दिस इंस्टीट्यूट इज वर्थ इट और नॉट विल डिस्कस अबाउट द प्लेसमेंट स्टैस एज वेल ओके गाय सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो भी आपके डाउट्स है यू कैन आस्क मीन बिलो कमेंट सेक्शन एंड यस गाइज इफ यू आर न्यू टू द दूट्यूब चैनल डू सब्सक्राइब इट बिकॉज हियर यू विल गेट लॉट मोर contained with respect to the legal interest exams so wanna preparation new batch starting at be educate you can start preparation with us for your respective programs such as the bllb bls llb want to target bblb from the top institutes and even the bcom llb then guys you interest exam ka preparation hoga, such as the clat mh law 5 years thereafter after slat for symbiosis and lat for narsimhanjee institute ilate lsat and various others वन अफ प्रिपरेशन यू कैन ज्वाइन अवर क्लास रूम लेक्चर्स एट घाटको पर दादर एंड डोम्बिवली एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंट्रैक्ट लाइव विद अस डोंट फॉर गेट टू कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर बिकॉज गाइज एक बार कॉल करोगे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले हैं.

अगर मैं उसके निफ रैंकिंग की बात करूं स्टैंड एट सिक्स प्लेस इन 2023, 21, 22 टू में तो ये काफी ऊपर भी था ठीक है गाइस सो so इसी की जो रैंकिंग है ये काफी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करती है अमंग ऑल द कैंपसेस और उसी में से हम बात कर रहे हैं एसएलएस हैदराबाद को लेकर सो एसएलएस इज अमंग द टॉप रेटेड लॉ कॉलेजेस इन हैदराबाद एस एल एस हैदराबाद इज कुंड इन द अपकमिंग एजुकेशनल जोन विद द स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैटरिंग इंपेंडिंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी और काफी सारे स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कैंपस को प्रेफर करते हैं क्योंकि काफी अच्छी फैसिलिटीज़ भी यहाँ मिलती है सो लेट्स टॉक अबाउट द रैंकिंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सिंबायसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे री एक्रिडेटेड बाय द नैक विथ ए प्लस प्लस ग्रेड सो ये एफिलिटेड है विद सिंबायसिस यूनिवर्सिटी राइट अप्रूव बाय द बी सी आई यूजीसी इट ऑफर्स वेरियस लीगल प्रोग्राम्स लाइक बी एल एल बी बीबीएलएल एंड वन ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दल एल एम मास्टर ऑफ लॉ काज सिंपाइसिस यूनिवर्सिटी हैदराबाद रैंक अमंग द टॉप टेन लॉ स्कूल्स इन इंडिया अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ ऑल ओवर इंडिया देन भाई ये बात कर रहे हैं एस पुणे को लेकर हालांकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हो ये टैग ठीक है ये एस पुणे को लेकर है लेकिन हैदराबाद भी कम नहीं है ओके सो यू कैन टारगेट हैदराबाद ऑल्सो क्योंकि इनके स्टैट्स बड़े अमेजिंग है फैसिलिटी आपको वैसी मिलने वाली है जो एस पुणे या नोएडा से हम चाहते हैं एंड गाइज कट ऑफ यहां नोएडा से थोड़ा कम होने वाला है ऑल दो कैंडिडेट जो प्रेफरेंस नंबर में फर्स्ट पुणे को प्रेफर करते हैं दे आफ्टर सेकेंड वन दी नोएडा थर्ड वन जो नागपुर को प्रेफर करते हैं भाई मैं उन्हें बोलूंगा कि नागपुर को स्कीप करके आप हैदराबाद के लिए चले जाओ ठीक है काफी अमेजिंग फैसिलिटीज यहाँ मिलने वाली है सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द कैंपस एंड इट्स वेरियस फैसिलिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी की बात करते हैं नियरेस्ट जो बस स्टॉप है वो 6.8 किलोमीटर की दूरी पर है जहां से आपको हर एक सिटी के लिए बस मिल जाएगी 35.3 किलोमीटर फ्रॉम द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 11.6 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इट इज लोकेटेड इन द ममिडीपल्ली विलेज महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना नियर हैदराबाद अल्ट्रा मॉडर्न एंड इको फ्रेंडली स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स लाइब्रेरी फैसिलिटीज आर जस्ट ग्रेट कॉन्फ्रेंस रूम आईसीटी लर्निंग सेंटर ऑफ 145 कैपेसिटी सेमिनार हॉल 240 कैपेसिटी, मूड कोट हॉल विथ 180 कैपेसिटी लीगल एड सेंटर भी इनका स्टार्ट हो चुका है गाइस काफी अमेजिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं इनके काफी सारे सेल्स है एनवायरमेंटल सेल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑडिटोरियम विथ ट्वेल्व हंड्रेड एंड कैपेसिटी इनके स्पोर्ट्स करिकुलम को लेकर भी सेल बनी हुई है एम्पी थिएटर ऑफ टू हंड्रेड कैपेसिटी बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स एंड कैंटीन फिफ्टीन हंड्रेड प्लस की कैपेसिटी है सो so गाइज आप फैसिलिटीज देख सकते हो भाई बेहतरीन फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलने वाली है सो गाइज ओवरऑल अगर फैसिलिटीज की बात करूं देन इट्स जस्ट अमेजिंग यू शुड टारगेट दी एस एल एस हैबाद नाउ हाउ यू कैन टारगेट सो एडमिशन प्रोसेस क्या कहता है यहाँ आप दो प्रोग्राम पर सकते हो फर्स्ट वन दी एल एल बी एंड द बी बी एल एल बी थ्रू स्लैट The Law Test, जिसकी कहती है, in आप एस सी और एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है कितनी सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है स्टूडेंट्स एंड अवेटिंग रिजल्ट टू अपलाई सब्जेक्ट टू सबमिशन सर्टिफिकेट बाई दोटिफाइड डेट भाई जब इनका एडमिशन स्टार्ट होगा तब तक आपके पास आपकी ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है वो आ जानी चाहिए और उसमें रिमार्क होना चाहिए पास्ट ठीक है सो so, एग्जाम के बारे में बात करते हैं सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट यूजुअली मई मंथ में हो जाता है यहाँ आपको मल्टीपल अटैम्प मिलते हैं यहाँ आप दोनों अटैम्प अटेंड कर सकते हो ठीक है सो so, ऐसे में क्या होगा जहाँ आपने मैक्सिमम स्कोर अचीव किया है दैट अटैम्प विल बी कंसिडर्ड ठीक है तो so, एक बेहतरीन मौका मिल रहा है आपको की बात करते हैं क्या प्लस पॉइंट है कोई आपका वीक जोन है फॉर एग्जाम्पल द रीडिंग पार्ट सो आपको मैक्सिमम फोकस अदर सब्जेक्ट पर करना है लॉजिकल रीजनिंग में आप फोड़ के रख सकते हो सो so, वैसे ही करना देखो गाइस अगर कोई पर्टिकुलर वीक जोन है तो जो नियर बाय है उसको स्ट्रांग जोन बना लो ऐसे में क्या होगा इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग आपके जो स्कोर्स है वो बेहतरीन बन जाएंगे नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है सिक्सटी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ठीक है सिक्सटी क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स फॉर सिक्सटी मिनट्स भाई एक घंटे में आपकी जर्नी तय है आप आइदर एस एल हैदराबाद को टारगेट करोगे या फिर दूसरे कैंपस को टारगेट करोगे क्या कट ऑफ होना चाहिए गाइस सो आउट ऑफ 60 में हमेशा कैंडिडेट को कहता हूँ भाई 42 से लेकर 44 तक आप आइए ताकि आपको एस पुणे मिल सके दे आफ्टर नोएडा मिल सके हैदराबाद के लिए जा रहे हो गाइस 35 से लेकर 39 के बीच में अगर आपका स्कोर है भाई एस हैदराबाद को आप टारगेट कर सकते हो और जरूर इसे टारगेट कीजिएगा क्यों इसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं सो so, गाइज आगे बढ़ते हैं सीट्स एंड कट ऑफ को लेकर बात करते हैं सो कट ऑफ जैसे कि मैंने आपको बता दिया आपको लाना है थर्टी से लेकर थर्टी मार्क्स है? अगर यहां आप बी एल एल बी प्रोग्राम पर शू करना चाहते हो सीट्स एंड बीबीएल के लिए भी वन ट्वेंटी सीट है right? so क्या ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ स्लैट एंड इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन इट शाल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्लियरली इंडिकेट द प्रोग्राम टू विच दे विश टू अप्लाई कैंडिडेट इज फ्री टू चूज एनी वन और बहुत प्रोग्राम्स द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द प्रोग्राम लेटर सो भाई बीबीएलएल करना है या बी एल एल भी करना है यह आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है ठीक है नाउ ये जो सीट्स है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देखते हैं विद इन द सैक्शन इंटेक्स शेड्यूल कास्ट को मिलेगी फिफ्टी परसेंट सीट्स शेड्यूल ट्राइब सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिफ्रेंशी लेबल थ्री परसेंट कश्मीरी माइग्रेंट टू सीट्स पर प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फिफ्टीन परसेंट इंक्लूडिंग फॉरन नेशनल पी आई ओ एंड एनआरआई सो ओवरऑल भाई रिजर्वेशन क्राइटेरिया कब मिलेगा आपको जब आपके पास रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स होंगे सो so, अगर रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट नहीं है अभी बना लो अप्लाई कर लो देखो इस एग्जाम मे फिफ्थ एंड मे इलेवेंथ को होता ही है ठीक है so, सो इससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए क्योंकि आफ्टर रिजल्ट प्रोसेस को टाइम नहीं लगता गाइस अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कहता है कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्लैट स्कोर एंड द गुड न्यूज इज भाई वैट कैंसिल हो चुका है देर इज नो वैट प्रीवियसली वैट को भी एक ट्वेंटी परसेंट वेटेज मिलता था और आपके स्लैट को मिलता था फिफ्टी परसेंट वेटेज अब ये प्रोसेस कैंसिल हो चुका है अब एस एल एस हैदराबाद के लिए आपको स्लैट के थ्रू मिलने वाला है सेवेंटी परसेंट वेटेज पी आई को मिलने वाला है थर्टी परसेंट वेटेज यानी कि जो आपका स्केल स्कोर है अप टू सिक्सटी मार्क का उसको स्केल अप टू कर देंगे सेवेंटी मार्क्स पी आई को थर्टी परसेंट वेटेज ठीक है सेवेंटी प्लस थर्टी 100. अब इसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट आपका होने वाला है तो काफी कम है लेकिन अकेडमिक फीस पर एन एम वन लैक नाइनटी वन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज दन लाख नाइन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड अगर मैं आपके सिर्फ एकेडमिक फीस की बात करूं दैन गाइज ऑलमोस्ट थ्री लैख एंड एटी फोर थाउजेंड तक आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो चला जाता है आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर में आप फोर लाख ,00 इन्वेस्ट कर रहे हैं और ओवरऑल आप इन्वेस्ट करने वाले हो एटीन टू ट्वेंटी लाख रुपीज़ फॉर योर कंप्लीट फाइव ईयर सो इतना पैसा क्या इन्वेस्ट करना वर्थ इट yes, yes. है येस गाइज ऑब्वियसली येस क्योंकि स्टार्ट्स बड़े अमेजिंग है इंस्टीट्यूट डिपोजिटि ट्वेंटी थाउजेंड या रिफंडेबल अमाउंट है हॉस्टल डिपोजिट रिफंडेबल फिफ्टीन थाउजेंड मेस के चार्जेस है आपके फिफ्टी सेवन थाउजेंड ठीक है ये रिस्पेक्टिव अकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं सो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक जरूर करनी है हॉस्टल फीस पर इनम सेवेंटी थाउजेंड सेवन फिफ्टी इंस्टॉलमेंट थ्री लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड टू फिफ्टी ठीक है सो भाई इतना ह्यूज अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या ये इंस्टीट्यूट हमारे लिए वर्थ इट है लेट्स फाइंड आउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो भाई आपकी फीस अकॉर्डिंग टू दीज ऑल फिगर्स ओके नाउ भाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं 2017 एंड 2022 के कुछ स्टैट्स के मेंशन किए गए फोर्थ बैच ऑफ इन मे ग्रेजुएटेड इन ट्वेंटी 2022 इनके कुछ हाइलाइटर्स हम देखेंगे 55 परसेंट स्टूडेंट्स द सडन ऑनसेट ऑफ कोविड 19 हैज इंपैक्टेड प्लेसमेंट अ ग्रेट डील हाउ एवर हैदराबाद हैज पुट एन एफर्ट्स टू प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज टू इट स्टूडेंट्स फोर्टी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर द प्लेसमेंट विद द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल आउट ऑफ विच फोर्टी स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड 4.73 लाख पर थ्री का जो एवरेज सैलरी पैकेज यहाँ को लेकर हमने जब एस एल एस नोएडा की भी बात की तो हमने यह भी फिगर्स देखे कि टॉप 10% परसेंट को काफी अच्छा पैकेज मिला है ठीक है जो ऑलमोस्ट एवरेज को मिला है वैसे पैकेजेस थे राइट 10 लाख रुपीज समथिंग हाइस्ट को मिला था नाइनटीन अब यहां हम बात करते हैं एस हैदराबाद को लेकर ट्वेंटी वन परसेंट स्टूडेंट चोस टू परसू हायर स्टडीज एंड सिक्योर्ड एडमिशन इन एल इन टॉप यूनिवर्सिटीज इन यूके यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया सो भाई आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है 14 परसेंट स्टूडेंट्स इन्वॉल्व फॉर द लिटिगेशन एंड आर असिस्टिंग सीनियर काउंसिल इन वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दैट्स द रीजन कि भाई हमें फोर्टी 42 परसेंट स्टूडेंट्स दिख रहे है इस पर्टिकुलर बैच में राइट बैच स्प्लिट स्प्लिट देख देख सकते सकते ऑप्टेड फॉर 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 प्लेसमेंट वेंट वेंट स्टडीज एग्जाम को लेकर एंड स्टूडेंट्स लिटिगेशन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट प्लेस सैलरी पैकेज आप हो एवरेज थोड़े और अमेजिंग होने चाहिए एटलीस्ट जो हाईएस्ट पैकेज है हम 14 टू 15 यहां एक्सपेक्ट करते हैं और जो एवरेज है ऑलमोस्ट 7 टू 8 अगर हो जाए तो भाई काफी अच्छा बन जाएगा लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ अदर इंस्टीट्यूट इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूं देन रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोग्राम एट द स्टार्टिंग रेंज ये पैकेज वर्थ इट है सो so, ओवरऑल जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कुछ हद तक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है आप जरूर इसे टारगेट कर सकते हो हाँ प्रेफरेंस में जैसे कि मैंने आपको कहा है एस एस पुणे फर्स्ट दे आफ्टर आप नोएडा दीजिए ठीक है नागपुर रीजन से ही बिलोंग करते हो और नहीं दूर जाना चाहते तो भाई नागपुर ठीक है अदरवाइज थर्ड प्रेफरेंस पर आप हैदराबाद रख सकते हो सो ओवरऑल गाइज दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर लीगल प्रोग्राम वन टारगेटेड देन भाई आपको स्लैट का प्रिपरेशन कर लेना है लेट्स क्रैक स्लैट join us at dombivli ghatkopar and Dada for offline lectures and if you are a pan india student you can interact live with us call on 8888. don't forget to download our app where you will get free mock and free resources and for all the updates and notification follow us on youtube facebook insta and telegram that's all guys all the best for your career see you in the next video